हेलो एंड वेलकम टू बैंटर विद चेतन। हेलो गाइस एंड वेलकम टू बैंटर विद चेतन। दोस्तों आज हमारे साथ है रविंद्र अतर्दे सर, जिनकी कंपनी है स्टार फैब्रिकेटर। दोस्तों जब हम इनसे बातें कर रहे थे तो इन्होंने हमें बताया कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको पैसों की जरूरत नहीं होती है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि आपको पैसा चाहिए तो ही आप बिजनेस कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू बैंटर विद चेतन सर। नमस्ते। सर आप अपनी कंपनी के बारे में हमें कुछ बताएं, आपकी कंपनी क्या करती है? मेरी कंपनी इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट बनाती है, सो सॉर्ट ऑफ बीनी कंट्रोल बैलेंस और एमसीबी मिनीचर सर्किट ब्रेकर्स जो ओवरलोड इलेक्ट्रिकल को ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। मोस्टली ऑल मल्टीनेशनल आर इन दिस फील्ड। सर इसमें कौन कौन सी कंपनीज है जिनको आप प्रोवाइड करते हो, जैसे कंपनीज का नाम अगर आप बोल रहे हो? Siemens, L&T, ABB, Hager, then Legrand. Okay. Sir, आपने जब आपकी शुरुआत की थी तो कैसे शुरुआत की? अगर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड आप अगर बताओगे तो वो क्या है, और फिर आपने उसके बाद जॉब कितने साल किया और फिर स्टार्ट कैसे किया बिजनेस को? मेरा एजुकेशन डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग किया, और चार साल इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस लेने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि अभी शायद अभी मतलब बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। तो एक्चुअली इससे पहले प्लानिंग भी मैंने करके रखा था, MIDC में एक प्लॉट लेके रखा था, और फिर थोड़ा कैपिटल लेके बिजनेस चालू किया। ओके सर, आपकी उम्र क्या होगी जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया? 27 27 की आपकी उम्र थी जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया। और आपकी शादी हुई थी जब? नहीं, अभी उसी ईयर में शादी हुई। ओके, शादी होने के बाद में बिजनेस स्टार्ट किया। ओके ओके सर, जर्नी कैसे रही? हाँ, क्योंकि शादी होने के बाद में कोई नौकरी करने मुंबई गया ही नहीं, बिकॉज ये कुछ उसका घर का प्रॉब्लम, रहने का प्रॉब्लम था, और उसके लिए बहुत ज्यादा पैसा लग रहा था। पर मुझे ऐसा लगा कि ये पैसा घर लेने में वेस्ट करने से आप यही रह के कुछ बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए, तो मैंने जलगांव में बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा और बिजनेस स्टार्ट। ओके, तो बिजनेस स्टार्ट करना था तब आपको कुछ डर था कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूं, क्योंकि आपकी जो जॉब थी वो तो अच्छे से चल रही थी, तो आपको कैसे मतलब कुछ डर था आपके अंदर कि बिजनेस आप स्टार्ट? डर तो होता ही है, एक्चुअली डर तो होता ही है कि शायद बिजनेस में अगर लॉस आ गया, चाहे वो सक्सेस हो या नहीं हो, हर एक को लगता है। लेकिन मेन तो अपना बात बर्डन सब खुद का जो भी होता है कि नहीं, एक्सपीरियंस है अपने पास और मेहनत करेंगे तो सक्सेस हो गए, बाकी डर तो हर एक को होता है। लेकिन खुद का कॉन्फिडेंस होना इम्पोर्टेंट होना चाहिए, और अपने का थोड़ा 3-4 साल इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है तो इंडस्ट्री में अपने एक्सपीरियंस है, इसके लिए भले ही कुछ ज्यादा ना मिले लेकिन अपनी फैमिली चला सकते, इतना तो कमा पाएंगे, इतना तो कॉन्फिडेंस था, इतना आपको पता था कि अगर आप बिजनेस भी करोगे तो फैमिली के ऊपर उसका अफेक्ट होगा, इतना तो कॉन्फिडेंस था। सर बिजनेस स्टार्ट करने का आपने सोचा, आपने एक प्लॉट लेके रखा था जलगांव में, जलगांव MIDC में, यही वो प्लॉट था जहां आज हम बैठ करें, तो ये प्लॉट लिया था तो इसी के ऊपर आपने बिजनेस स्टार्ट किया सबसे, आपकी यही कंपनी थी स्टार फैब्रिकेटर सबसे। तो सर इसकी स्टोरी आप क्या बताओगे कि कैसे आपने सोचा कि ये करें, मतलब वो स्टोरी क्या थी? एक्चुअली स्टार्ट में बिजनेस जो यहाँ स्टार्ट करने के लिए मैंने सोचा था कि हम लोग कुछ मेंटेनेंस में कुछ काम करो, कंपोनेंट मशीनिंग कंपोनेंट्स बनाएंगे। हाँ। लेकिन जलगांव जो इंटीरियर एरिया है तो इसमें उस कंपोनेंट के लिए उतना कुछ चांसेस मुझे मिले नहीं, इसके लिए मैं धीरे धीरे फेस कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट पर डाउट होगा, क्योंकि जलगांव में इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट बनाने वाली जो लिग्रैंड थी अपना MBS करके फार्मर ने उसका MBS था, तो वहां से मुझे बिजनेस मिला, और जो वो बिजनेस मिला वही मैंने सक्सेस करके फिर आगे हम ये इलेक्ट्रिकल फील्ड में डाइवर्ट हुए। एक्चुअली बेसिकली मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, लेकिन धीरे धीरे टोटल मेरा प्रोडक्ट इलेक्ट्रिकल हो गया, पर मोस्टली मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड में डाइवर्ट सर मुझे एक मतलब ये सवाल मैंने थोड़ा पहले पूछना चाहिए था, जब आपने शादी के बाद बिजनेस का सोचा तो आपकी वाइफ के साथ आपने जब डिस्कस किया था कि मुझे जॉब नहीं करना है मुझे बिजनेस करना है, तो उनका रिएक्शन कैसा था? वाइफ का मुझे फुल सपोर्ट था कि ये
इसको प्रॉब्लम नहीं है आप करो क्योंकि यही यही टाइम है अगर मुंबई चले गए तो फिर मुंबई में तो बिजनेस नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ कोई सपोर्ट देने के लिए रहने के लिए घर नहीं है ये नहीं है ऊपर से बिजनेस कहाँ करोगे यहाँ एटलीस्ट कैसा है घर है और स्क्वाट मैंने लेके रखा था और फिर स्क्वाट पे मुझे एमएसएफसी से लोन मिलता महाराष्ट्र स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट के जो स्कीम थे उसकी स्कीम के अंदर मुझे लोन भी मिल रहा था यहाँ क्योंकि एमआईडीसी क्योंकि उसमें आपको थोड़ी कुछ चीजें आपको पता नहीं थी उससे आपको थोड़ा नुकसान भी हुआ तो ये एक पार्ट होता है जो सीखने को भी मिलता है तो उसके बारे में आप क्या बताइए क्योंकि स्पेशल एक्सपीरियंस है वो मैंने भारत पेट्रोलियम का जो फायर फाइटिंग और गैस पाइप एक्चुअली स्पेशल वेल्डिंग एक्स्ट्रा वेल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट मुझे पेटी कॉन्ट्रैक्ट मिला मीन्स मेन भारत पेट्रोलियम का मेन कॉन्ट्रैक्टर वाला प्रगति इंजीनियरिंग और उन्होंने मुझे पेटी कॉन्ट्रैक्ट दिया तो एक्चुअली टोटल प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट किया उसका कमीशन कमीशनिंग वगैरह हो गया लेकिन जो बचा हुआ बैलेंस कुछ एक 1.2 लाख जो पेमेंट था वो मुझे उन्होंने नहीं दिया तो उस टाइम ऐसा हुआ कि एक्चुअली ये जो उनके लिए सब जो पाइपलाइन का जो एमएस का पाइपलाइन या स्पेशल पाइप जो होते हैं वेल्डिंग रॉड्स वगैरह वो सब प्रगति मीनिंग से आते थे तो जो माल लापुर पूरा आके उन्होंने भारत पेट्रोल को लगा था और हमारे साइन पे वो बाहर आ जाता था लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में वो कुछ जो रॉ मटेरियल था वो एक वैल्यू भी शायद 1.2-1.5 लाख के आज वैल्यू होगी उस टाइम पे मतलब 30 साल में 1.5 लाख से आज वैल्यू होगी तो जब कंपनी के पास डिमांड के हिसाब हमारा पैसा नहीं मिला तो उनसे है कि यार साहब आपको बिजनेस करने नहीं आता है कि हमारा वहाँ मटेरियल पड़ रहा है 1.5 लाख का वो आप 1.5 लाख का माल हमारे आपके कब्जे में ले लो कहाँ हमारे पीछे घूम रहे हो यहाँ वो जलगांव में जो माल पड़ा है वो आप कलेक्ट नहीं कर रहे हो और कलकत्ता भाग रहे कलकत्ता आ रहे पैसे की पैसे लेने के तो आपको बिजनेस करने नहीं आता तो उनको वही बोला कि साहब आपका माल है वही क्या चाल ये तो चोरी हो गई तो बोले साहब बिजनेस तो ऐसा ही होता है लेकिन ये गलत है हाँ ये गलत है लेकिन मैंने अभी वैसा आज तक भी कभी एक्सपीरियंस आया नहीं लेकिन उन्होंने फिर 20-25 हजार रुपए दिए और बाकी मेरा 1 लाख रुपए नुकसान हो गया नुकसान हो गया तो सर आपका जो मतलब चल रहा था तो ये ऐसे ही चलता था गया उसमें कुछ आपको ऐसा भी लगा कि अभी मैं छोड़ दूं मैं फिर से नौकरी करने चला जाऊं ऐसा कोई पीरियड भी आया था आपकी लाइफ में और फिर उससे टर्निंग पॉइंट कुछ उसका आप क्या बता दें ऐसा एक्सपीरियंस आने के बाद में मेरा बिजनेस तो प्रॉब्लम आ गया तो एक्चुअली मैं वापस नौकरी करने के लिए सोच रहा था कि चलो अभी नौकरी करते हैं लेकिन हर एक को चांस तो हर को आता है कुछ तो कुछ चांस ढूंढना चाहिए खाली तो मेरे पास ऐसा क्या बोलते उसको संधि बोलते हैं संधि ऐसी आई कि हमारे एक साथी थे इंग्लैंड में उन्होंने मुझे उनको भी रिक्वायरमेंट थी कुछ कंपोनेंट बनाने चाहिए तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि ये कंपोनेंट सबको बनाने चाहिए लेकिन उस टाइम तो पैसे थे नहीं तो उन्होंने मशीनरी का भी मुझे हेल्प किया और पैसे के लिए भी टाइम पीरियड दिया तो वहां से फिर मैं छू गए सर ये फिर वहां से आपका बिजनेस स्पीड कर लिया पिकअप कर लिया फिर जो एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना था अभी आप सस्टेन हो गए थे बिजनेस में अभी आपको आपका बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे मतलब अभी सब बड़ी बड़ी कंपनीज को अप्रोच करना या फिर उनके कॉन्टैक्ट्स लाना अभी जैसे आपने बताया कि एलएनटी और बहुत सारी सीमेंट ऐसी कंपनी थे जो जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स उनको देते हो तो फिर वो आपने कैसे ग्रो किया मतलब वहां तक आप कैसे पहुंचे एक्चुअली ये पिच में हम लोग अच्छी तरह से कंपनी या हमारे प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे थे
तो अदर मल्टीनेशनल को भी रिक्वायरमेंट थी, तो कुछ उन्होंने अप्रोच किया, कुछ मल्टीनेशनल को हम अप्रोच करने गए, तो वहां से बिजनेस ग्रो किया, क्योंकि प्रोडक्ट अच्छे प्रोडक्ट की तो रिक्वायरमेंट को होती है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है मोस्ट ऑफ दी लेवल जॉब है हमारा, तो मल्टीनेशनल ये जो आउटसोर्सिंग करते हैं वो खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, क्योंकि लेबर वगैरह के सामने रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये सब प्रोडक्ट जो है वो आउटसोर्स ही करते हैं, तो अच्छा हम अच्छी क्वालिटी और अच्छी सर्विस देने की वजह से हमें मल्टीनेशनल का अच्छी तरह से रिस्पॉन्स मिल गया। सर अभी कितने साल हुए आपके बिजनेस को पूरे? 32 इयर्स से 32 इयर्स हो गए। और अभी कितनी कंपनीज है? हमारे जलगांव में 4 कंपनीज है और नासिक में 1 कंपनी। आपने हम जो बात किया था आपने बोला था कि बिजनेस के लिए पैसा नहीं लगता है, आपके पास हिम्मत होनी चाहिए, वो आप कैसे बताओ? क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स है, बहुत सारे लोग हैं जिनको बिजनेस करना है, बट वो कहते हैं कि हमें पैसा चाहिए या फिर पैसे के बिना हम नहीं कर सकते, बिजनेस के लिए पैसा लगता है, तो आपका सजेशन क्या होगा बिजनेस के लिए? एक्चुअली आपको क्या करना है वो आपको चाहिए, आपको क्या करना है, बिजनेस करना है बिजनेस, किसी को बहुत सारे बोलते हैं लेकिन क्या बिजनेस करना है उसको आइडिया नहीं देते। एक्चुअली फॉर्मली उसको चाहिए, ठीक है बिजनेस करना है ये, बिल्कुल उसने जो कौन कौन से एरियाज है, कौन कौन से कहाँ कहाँ आपने बिजनेस करने के चांसेस मिल सकते हैं, वो उसने बताया। और पहला फर्म की मुझे यस ये प्रोडक्ट है या ये बिजनेस है या ये एरिया में मुझे बिजनेस करना है, ये पहले फर्म और डिसाइड हो गया कि फिर उसके लिए क्या लगता है, पैसा कितना लगता है, फिर पैसा ऐसा एकदम स्टार्ट तो एकदम बड़ा हो नहीं सकता है, तो एकदम छोटे से छोटा वो एरिया में मैं छोटे से छोटा क्या कर सकता हूँ, छोटे से छोटा वाटर जो भी है समझो भाई इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है ना, तो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री अगर मुझे करना है तो मैं छोटा से छोटा क्या कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ कि अभी के प्राइस में बोल रहा हूँ 10-15 हजार की वेल्डिंग मशीन है और ये वेल्डर और एक कटर, प्लस इंजीनियरिंग का बिजनेस हार्डली समझो अभी भी कर लो इंडिया तो 40-50 हजार में काम हो सकता है, तो हर आदमी या बिजनेस जिसको करना है उसको ये सोचता है कि एक्चुअली मुझे करना क्या है और बिजनेस में कौन सा करूंगा, ये पहले उसको बताओ, फिर उसका धीरे धीरे उसको ये भी समझ में आ जाएगा कि इसमें छोटा मैं क्या कर सकता हूँ और उसको पैसा कितना लगता है, बराबर। तो पैसा जो होता है वो थोड़ा बहुत तो इधर उधर से जमा कर, लेकिन ऐसा बहुत ज्यादा पैसे की कोई जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत तो लेकिन अगर आप वो फील्ड में काम करना चाहते है तो उसमें छोटे से छोटा भी काम बिजनेस काम करते, छोटा भी एक काम है, छोटा एक ये लेते हैं आप डेली का डीप फ्रीजर लेके भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, फिर वो ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट और ये इसके लिए बताया कि हमारे मेरे एक दोस्त है वो ऐसा ही ग्रो करके बहुत बड़ा करके फैक्ट्री डाली है, बाद में खुद के अपना स्वीट्स वगैरह स्टार्ट छोटे से करो फिर बाद में उसको ग्रो करो, मतलब अगर आप जैसे एक साथ ही कुछ बड़ा करना चाहोगे तो फिर उसमें नुकसान भी आपको बड़ा हो सकता है। सर जब हम कंपनी के बारे में बात कर रहे थे तो आपकी कंपनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, जैसे हर डिपार्टमेंट है, मतलब आपने हर चीज बहुत सॉर्टेड रखी है, तो उस फील्ड के बारे में आप क्या बताओगे? अलग अलग आदमी को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, सब डिपार्टमेंट का परचेस वगैरह सब डिपार्टमेंट इवन डेवलपमेंट जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और हमारी डेली मीटिंग होती है तो मीटिंग होती है उनका कोऑर्डिनेशन
मंथली प्लान होता है, एज पर प्लान मंथली पहला मंथली प्लान होता है और फिर डेली प्लान होता है। फिर डेली प्लान होता है तो कल क्या करना है उसका आज ही सब रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हमारा डिस्कस करते हैं। ओके सर, कौन कौन से डिपार्टमेंट है आपके इसमें, जैसे एचआर वगैरह है सर? एचआर है, अकाउंट्स है, परचेस है, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग है, डिजाइन। और सर कंपनी में महिलाओं को आपने एक अलग स्थान दिया है, बहुत सारी महिलाओं का आपने मतलब कंपनी में काम दिया है, तो हमारे कुछ एक्चुअली कुछ ऐसा स्पेशल है जिनकी लेडीज का काम कर ही नहीं सकती है। हमने बहुत सारा लेडीज को जो पावर पे जो ओनली जेंट्स काम कर सकते हैं उनपे ट्रेन किया, स्पॉट वेल्डिंग मशीन पे हम लोगों ने लेडीज पे ट्रेन किया, या और वो लेडीज ऐसा कोई हाईली क्वालिफाइड भी नहीं या आईटीआई भी नहीं, हार्डली 7th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड जो फेल है या पास है, वो लेडीज को हमने ट्रेन करके एक्चुअली वो अच्छी तरह से उनके घर चला रहे हैं, उसके पेमेंट भी अच्छे मिल रहे हैं। और एक बात बताऊँ की लेडीज अगर उनको सिखाया जाए तो जेंट्स से जल्दी सीखती है और स्किल भी होती है, समझती है, पर उनकी जैसा कि फैमिली की रिक्वायरमेंट होती है तो वो सिंसियरली और उनका अटेंडेंस भी अच्छा होता है। एक मंथ में 3-4 तांडी मार दिया लेडीज 30 डेज भी काम करने के लिए, क्योंकि उनकी फैमिली रिक्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो ज्यादा अच्छे से हैंडल होती है। क्या दिक्कत है सर आपको अभी, मतलब आपकी कंपनी को आपको फ्यूचर में कहां तक लेके जाना है? अभी तो आपके मतलब जो मेरा लड़का अभी मेरा लड़का ज्वाइन हो गया है, लेकिन है फ्यूचर में तो अभी टारगेट ऐसा है कि 100 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस करना है इन नेक्स्ट 2 इयर्स। ओके सर, अभी टर्नओवर हम आपको कुछ सजेशंस देना होगा यंगस्टर्स के लिए जिन लोगों को बिजनेस करना है, आप वो बताओ, फिर हम उसके बाद आपकी कंपनी का कंपनी हमें आपको बताएगा। यस, तो शिक्षा के लिए मैं यही बताऊंगा कि आप पहले डिसाइड करो कि मुझे बिजनेस करना है, और ये आपको जरूर बोलूंगा कि इसको मेहनत करना है तो आप नौकरी में जितना कमोगे कमा के बिजनेस में उससे ज्यादा ही कमाओगे। नौकरी में जितना मेहनत करनी पड़ती है उससे कम मेहनत बिजनेस में करनी पड़ती है, लेकिन यू हैव टू डिटरमाइन, एकदम डिटरमाइन और खुद पे कॉन्फिडेंस है, सबसे मेन बात खुद पे कॉन्फिडेंस है तो जरूर आप बिजनेस कीजिए। थैंक यू सो मच सर, ये बहुत मतलब इंस्पिरेशनल आपके साथ बात करना था, अभी हम आपकी कंपनी का टूर करते हैं। ठीक है, कहाँ से मटेरियल आता है, फिर सबसे पहले यहाँ पे क्या बनता है? हमारी दूसरी फैक्ट्री, यहाँ जगह का प्रॉब्लम है इसलिए दूसरी फैक्ट्री है, वहाँ से ये टोटल स्टील जो बॉक्स है और ये बनाने के लिए आपकी दूसरी कंपनी
तीन चार इसमें है ना, तीन चार प्रकार के बॉक्स होते हैं, चार असेंबली होते हैं, अलग अलग पूरा बॉक्स है, ये है, पेन है, मतलब कैसे बोर्ड है, चार असेंबली फूल फाइनल प्रोडक्ट बनता है, फाइनल प्रोडक्ट बनता है। ओके ओके। पैकेजिंग एक ये यहाँ पे होती है। हाँ पैकेजिंग नहीं ठीक रही था, अभी पैक करूँ करना जो रिक्वायरमेंट है। हाँ। दोस्तों इसमें एक बात है कि अगर कोई भी रॉड में या किसी भी इक्विपमेंट में थोड़ा भी अगर डिफेक्ट होता है तो सर वो रिजेक्ट कर देते हैं, वो आगे नहीं जाता है, मतलब किसी भी कंपनी को एक्यूरेसी के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। सर आप जब कंपनी मतलब चला रहे थे तो बीच में आपका एक्सीडेंट हुआ था, तो वो इंसिडेंस क्या है? बीच में मेरा बहुत सीवियर एक्सीडेंट हो गया था, कार एक्सीडेंट, तो मेरा दोनों पैर लेग्स में मेरा अबाउट 10-15 फ्रैक्चर सर, तो और चेंज का बोन बॉडी मिसिंग था, तो एक्चुअली वो ले जा रहे गाँव के टेक्निक से डॉक्टर ने बढ़ाया, लेकिन उसके लिए मैं कम से कम 2.5 साल बेड पे था, तो इस पीरियड में हमारे मैनेजमेंट ने पूरी फैक्ट्री चलाई थी 2.5 साल में। आप पूरा मतलब कुछ ज़्यादा पेन इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं, लास्ट 6 महीना मैं यहाँ आके बैठता था।
बाकी सब आपका जो टीम है मतलब सब टीम सब टीम ने हैंडल किया और उसमें कोई आपका कोई टर्नओवर कम नीचे नहीं हुआ नहीं कुछ भी टर्नओवर वगैरह सब बराबर सब बराबर सब बराबर मतलब आपके जो एम्प्लॉय पूरे ट्रस्टवर्थी एम्प्लॉयज थे आपके साथ इसीलिए थैंक यू सो मच सर आपने हमें इंटरव्यू दिया और हम आगे भी आपसे कांटेक्ट में रहेंगे कोई और अगर किसी इंस्पिरेशनल चीज के बारे में बात करना हो थैंक यू ओके थैंक यू थैंक यू